हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। करवा चौथ स्पेशल। रो पड़ी मोदी की पत्नी जसोदा बेन, आखिरकार सबके सामने आकर बताई अपनी परेशानी। देश में इस वक्त 3 तलाक का मामला बड़े जोर से सरकार उठा रही है और खुद को मुस्लिम महिलाओं का हितैषी बता रही है, लेकिन वही सरकार और मोदी ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर आपको महिलाओं के हक की लड़ाई लड़नी है तो पहले प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी को उनके अधिकार दिलाओ ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। वो हर काम के लिए परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बेन ने अहमदाबाद के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में एक आरटीआई आवेदन दायर कर मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए जमा किए गए शादी से जुड़े दस्तावेजों का ब्यौरा मांगा है। पिछले साल जसोदा बेन का पासपोर्ट संबंधी आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने ऐसा कोई विवाह प्रमाण पत्र या कोई संयुक्त शपथ पत्र पेश नहीं किया जिससे साबित होता हो कि उनकी मोदी से शादी हुई है। इस पृष्ठभूमि में जसोदा बेन ने यह आरटीआई आवेदन डाला है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी जेड ए खान ने कहा, जसोदा बेन बुधवार को कार्यालय में आई और अपने पासपोर्ट से संबंधित आरटीआई आवेदन दायर किया। हम समय पर उन्हें जवाब देंगे। जसोदा बेन के भाई अशोक मोदी के अनुसार जसोदा बेन ने शादी से संबंधित उन दस्तावेजों के बारे में जानने के लिए आरटीआई आवेदन डाला जो मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हुए जमा किए थे। खान ने कहा कि जरूरी दस्तावेज ना होने के कारण पिछले साल नवम्बर में जसोदा बेन का आवेदन खारिज कर दिया गया था। जी हाँ, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बेन ने सरकार की ओर से उन्हें दिए जा रहे सुरक्षा कवर का विवरण मांगते हुए एक आरटीआई आवेदन दायर किया था। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से ही जसोदा बेन को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। गुजरात में मेहसाणा जिले के ऊंचा स्थित ब्रह्मवाड़ा गाँव में रह रही जसोदा बेन ने 3 पन्नों के अपने आवेदन में कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी हूं और मैं जानना चाहती हूं कि प्रोटोकॉल के मुताबिक सुरक्षा कवच के अलावा मैं और कौन सी सुविधाओं की हकदार हूं। इसके साथ ही उन्होंने शिकायत की, मैं तो सार्वजनिक वाहन में सफर करती हूं जबकि मेरे निजी सुरक्षाकर्मी सरकारी गाड़ियों में सफर करते हैं। उनके आवेदन में कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुरक्षाकर्मियों द्वारा ही उनकी हत्या किए जाने की घटना को ध्यान में रखते हुए मैं सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में कई बार भयभीत भी हो जाती हूं, इसलिए कृपया कर मेरी सुरक्षा में लगाए गए सुरक्षाकर्मियों की जानकारी मुझे मुहैया कराएं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।